नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं ड्रीम इलेवन की ओर और कोशिश करेंगे कुछ धनराशि जीतने के लिए। तो चलिए हम लोग टीम लगाते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान। दोनों टीम ही अच्छा है, दोनों ही अभी फिलहाल फॉर्म में चल रहा है। पाकिस्तान का भी फिलहाल नहीं है, ठीक नहीं है। तो चलिए चलते हैं, टीम लगाते हैं। सबसे पहले हम पिच की बात करेंगे तो ये बैटिंग का पिच है और इसमें स्पिन में काफ़ी मदद मिलेगा। स्पिन जो बॉलर रहेगा उसको काफ़ी मदद मिल सकता है। इसमें स्कोर रही लगभग 260-270 का स्कोर जा सकती है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं टीम, देखते हैं। मोहम्मद रिजवान फिलहाल तो फॉर्म में नहीं जा रहा है, फॉर्म प्लेयर नहीं है। कुशल मेंडिस अभी एक फॉर्म पे है, तो चाहेंगे तो कुशल मेंडिस को ले लेते हैं विकेट कीपर में। बैट्समैन की बात करें तो बाबर आजम भी फिलहाल अच्छा खेल नहीं रहा, लेकिन श्रीलंका के विरुद्ध ये खेल सकता है। तो चलिए बाबर आजम को ले लेते हैं। एक्चुअली हम लोग ये हाफिजी को, ये भी फॉर्म पे नहीं है, लेकिन चलिए इसको भी ले लेते हैं। कुछ रन मार सकता है कि निशान का, ये भी अच्छा प्लेयर है, ये भी रन दे सकता है। चलिए इसको ले लेते हैं। तो आई अहमद को भी ले सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेता है, स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है, तो इसको ले सकते हैं। और श्रीलंका ये भी अच्छा बैट्समैन है, इंडिया के विरुद्ध में अच्छा रन बनाया था, इसलिए इसको भी ले सकते हैं हम लोग। एक और प्लेयर है समरा, उसको भी ले सकते हैं, ये भी फॉर्म पे है। ऑलराउंडर की बात करें तो ज़्यादा ऑलराउंडर लेंगे नहीं, सिर्फ इसको ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं शताब खान, एक अच्छा बॉलिंग कर लेता है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। पाकिस्तान की ओर से फास्ट बॉलर चुनेंगे शाहीन अफरीदी और हरीश शॉ को चुन लेंगे, और इसमें हम लोग महेश को चुन लेंगे। चलिए देखते हैं कैसा टीम बना हुआ है। चलिए इस प्रकार टीम तैयार हुआ, हम लोग चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते हैं। कैप्टन हम लोग चुनना रहेगा तो आई अहमद को चुन लेते हैं, बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, विकेट भी ले सकते हैं, तो इसको कैप्टन में चुन सकते हैं। वाइस कैप्टन में बात करें वाइस कैप्टन में दुनित को चुन सकते हैं, इधर इसका भी ठीक है पॉइंट, तो इसको ले लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार टीम बना हुआ है।